अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं हूं मैरी एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो आज का मैंने ये लुक क्रिएट किया है पार्टी मेकअप लुक, या फिर आप इसको कैजुअल भी कैरी कर सकते हैं किसी फेस्टिव सीजन में, या फिर आप कोई भी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कहीं पर भी आप इसको रिक्रिएट करके जा सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है आगे वीडियो में मेंशन कर दिया है आपके लिए, और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आज का लुक आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा ग्लोई है, ड्यूई है, थोड़ा सा शाइन कर रहा है, फ्रेश सा लुक है। आप ज़रूर मुझे बताएं इस वीडियो के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें मुझे। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। इसको मैं अच्छे से अपने फेस में पूरी तरह से अप्लाई कर लूँगी जेंटली हाथों से रब करते हुए। इसके बाद मैंने ड्यूई और फ्रेश लुक के लिए लिया है प्राइमर, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस ड्यूई फेस प्राइमर। इसको मैं अच्छे से अपने स्किन में रब कर लूँगी। आप जब भी सीरम या फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम बीच में रखना पड़ेगा, लाइक 5 to 6 मिनट के बाद ही प्राइमर लगाएं। उसके बाद मैंने अब लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पेंसिल। उसको मैं अच्छे से अपने आईब्रोज बना लूँगी, आईब्रोज फिलअप कर लूँगी। आईब्रोज डन है। इसके बाद मैंने लिया है एले गर्ल का प्रो कॉन्सीलर मीडियम बेज, ये शेड है। इसको मैं अपने आईलेट्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने आईलेट्स से लेके अपने ब्राउ के नीचे, ताकि जो आईब्रोज है उसमें भी अच्छी फिनिशिंग लुक आए। अब मैं ले रही हूँ पैक का ब्यूटी ब्लेंडर, उससे मैं अच्छे से डैब करते हुए इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक ब्रश लिया है फ्लैट ब्रश, उससे मैं वही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर को मैं आईब्रोज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो आईब्रोज की फिनिशिंग है वो थोड़ी सी और डिफाइनिंग लगे। अब मैंने लिया है ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैंने लिया है क्रीमी बेज शेड, ताकि मेरे जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसको मैं ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन शेड, इसको मैं अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। इस तरह से पफी ब्रश लिया है, अपने क्रीज लाइन में मैं सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। अब मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड, तो ये ट्रांजिशन शेड, मैंने पहले लाइटर शेड लिया था, उसके बाद हल्का उसका उससे एक नंबर डार्कर शेड लिया है। इसके बाद मैं ये लाइट ग्रीन और ये डार्क ग्रीन दोनों यूज़ करने वाली हूँ अपने आईलिड पे। इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन से पफी ब्रश से मैं ब्लेंड करते हुए जाऊंगी। आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि जो कलर है वो अच्छे से नज़र आए। तो ये मैंने पहले लाइट ग्रीन लिया है ताकि ट्रांजिशन कलर नज़र आए। इसके बाद मैं ले रही हूँ डार्कर शेड, इसको अच्छे से डैब करते हुए जाऊंगी और लास्ट में मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मैं 3 से 4 बार करूँगी ताकि जो डार्क शेड है वो नज़र आए। अगर आपको 3 से 4 बार नहीं करना है तो आप बेस में लाइट ब्लैक या फिर लाइट ग्रे कलर लगा के उसके ऊपर ये शेड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने ब्लैक या फिर डार्कर शेड कोई भी यूज़ नहीं किया है ग्रीन के अलावा, इस शेड के अलावा। तो इसको 3 से 4 बार मैं इस तरह से डैब करते हुए अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करते जाऊँगी। तो मैंने अपने दूसरी आईलेट पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया था। अब मैं कलर करेक्टर, मैंने लिया है स्टेकवर्की का कंसीलर पैलेट। तो मेरे नोज़ के साइड्स में है रेड कलर के रैशेस, तो मेकअप करते थोड़ा सा नज़र आ जाता है, और इसलिए मैंने लाइट ग्रीन कलर करेक्टर लिया है। उसके बाद मेरे लिप्स के ऊपर और नोज़ में बर्थ मार्क है। लिप्स के ऊपर मेरा ऑयल से जल गया था तो उसका दाग जो है वो अभी तक रह गया, और नोज़ में मेरा बर्थ मार्क है। इन दोनों में मैं लूँगी ऑरेंज कलर।
मैंने ये मिलानी का फाउंडेशन लिया है, ये आपके अगर स्किन ड्राई है वो बहुत परफेक्ट जाएगा, लेकिन मेरे से गलती हो गई, मैंने शेड गलत ऑर्डर कर दिया, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डैब करूँगी क्योंकि मेरे शेड से ये थोड़ा सा लाइटर है। तो इसको बहुत अच्छे से डैब करने के बाद थोड़ी देर बाद ये आपके नेचुरल स्किन के साथ सेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ज़्यादा वाइट लग रहा है, लेकिन बाद में मेकअप कंप्लीट होने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो मैंने वही कंसीलर लिया है जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, एले गर्ल का। इसको मैं अपने आई के नीचे, नोज़ में, जॉ लाइन और चिक बोन के बीच में इस तरह से अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने ब्लेंडर लिया है पैक का। तो मैंने जो मेरा जो एक्चुअल शेड है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी। तो मैंने जब ये फाउंडेशन ऑर्डर किया था, मैंने इसको रिटर्न भी नहीं कर पाई क्योंकि मैंने इसका शेड भी चेक नहीं किया और मैंने इसका जो पैकेजिंग बॉक्स है उसको फेंक दिया था। तो जब मैंने मेकअप के लिए अभी फ़िलहाल जब ओपन करके देखा तो शेड गलत निकला था। तो मैंने इसके बाद अब लिया है मेबेलिन न्यूयॉर्क फेस स्टूडियो का लूज़ पाउडर। इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने लिया है लोरियल पेरिस का सिग्नेचर मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 116 एक्सप्लोर। इसको लिप्स में मैं इस तरह से लगा लूँगी। मैंने पहले ही लिप लाइनर लगा लिया था। तो ये है तो मैट, लेकिन कम्प्लीटली मैट नहीं है, ये है क्रीमी मैट और बहुत अच्छा शेड है, न्यूड शेड है। तो अब मैं ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ, शुगर कॉस्मेटिक का मिनी ब्रॉन्ज़र, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रॉन्ज़र। इस तरह से मैं अपने चिक बोन्स और जॉ लाइन के बीच में इस तरह से अप्लाई कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए। तो कंटूर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रॉन्ज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक, मतलब बहुत अच्छा शेड आपके स्किन में बहुत अच्छा लगता है, लाइक कलर नज़र पॉप होता है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको मैं जॉ लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं एक पफी ब्रश ले लूँगी जिससे आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, उससे मैं अपने फोरहेड में भी इसको अप्लाई कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो जो मैंने पाउडर अप्लाई किया था उसको मैं रिमूव कर लूँगी ब्रश से इस तरह से। मैंने ये लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर मेबेलिन का है, इसको मैं डैब करते हुए अपने स्किन में अप्लाई करूँगी इस तरह से। बहुत हल्का लेना है। से मैंने वही शेड जो ऊपर आईज में आईलिड में यूज़ किया था वही मैं नीचे भी अप्लाई करूँगी। पहले मैंने लिया है ब्राउन, उसके बाद ब्राउन के बाद मैं लाइटर ग्रीन और डार्क ग्रीन, तीनों अप्लाई करूँगी इस तरह से। तो ब्रश आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटा वाला टिप जो होता है ब्रश का वो लेना है आपने। इसके बाद मैं वाटर लाइन में काजल लगा रही हूँ, स्टेक वर्की का काजल है ये भी। गाइज ये काजल बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने ये 3-4 दिन पहले ही ऑर्डर किया था। तो अब मैंने वही ब्रॉन्जर लिया है, उसको मैं अपने नोज़ में इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ को कंटूर करने के बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश जो है मेलो वाइन, इसका नंबर है व्हाटएवर, मेलो वाइन है इसका नाम। तो मैं इसको ब्रश से ही अप्लाई करूँगी अपने चिक बोन्स में, अपने नोज़ में इस तरह से। बहुत हल्का लेना है आपको क्योंकि बहुत पिगमेंटेड है, तो आपको बहुत जेंटली लेना है ब्रश में जब भी लेंगे। तो अब मैंने लिया है नाइका ग्लो का कैटर हाइलाइटिंग एंड इल्यूमिनेटिंग ड्यूओ पैलेट। हाइलाइटर बहुत प्यारा है, इसको मैं अपने चिक बोन्स के नीचे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से और अपने नोज़ में इस तरह से अप्लाई करके लिप्स के ऊपर मैं अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्राउ बोन में भी मैं इस तरह से हाथों से ही अप्लाई कर लूँगी। अब मैंने वही पैलेट से लिया है ग्रीन शेड, ग्लिटरी शेड है, इसको मैं अपने आई कॉर्नर्स में इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। ये मिंक लैशेज़ मैंने मंगाए थे अमेज़न से, बहुत ही प्यारे मिंक लैशेज़ है, बहुत ही ड्यूरेबल है,
बहुत अच्छे हैं, मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। पहले मैंने आई कर्ल कर लिया था, आई कर्ल करने के बाद इसको ऊपर से अप्लाई करने के बाद इसको मैं इसमें थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से मैंने लैक्मे का आईलाइनर लगा लिया है फिनिशिंग लुक देने के लिए। अब मैंने ये लिया है मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स, इसको मैं अपने फेस में इस तरह से स्प्रे कर लूँगी और सेट करने के लिए छोड़ दूँगी थोड़े टाइम के लिए। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लग रहा है। तो इस लुक के साथ मैंने बाल खुले छोड़े हैं, हल्की वेवी सा लुक दिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने कर्ल कर लिया था आयरनिंग रॉड से। तो आप चाहें तो इसके साथ बन भी बना सकते हैं, वो हेयर स्टाइल आप अपने ऊपर अपने चॉइस का कर सकते हैं कोई और। और अगर आपको लगता है इस लुक के साथ कोई और हेयर स्टाइल भी जा सकता है तो ज़रूर प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, मुझे आप वहाँ पे भी अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करेंगे तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन वीडियो स्किप करने से पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।